और शिवसेना के साथ कोई सरकार नहीं चला सकता। इसमें हम सब लोगों को बहुत खुशी है और फिर से एक बार अमित शाह ने ये दिखला दिया कि राजनीति के असली चाणक्य जो अमित शाह है, और 5 साल तक सरकार चलेगी, प्रचंड बहुमत वाली सरकार चलेगी। इसलिए बिहार बीजेपी की ओर से मैं देवेंद्र फडणवीस जी और श्री अजित पवार जी को बधाई देता हूँ और 5 साल तक सरकार चलाएं, इसकी मैं शुभकामना करता हूँ। जो कल्चर राजद का बिहार में है, वही संस्कृति शिवसेना की महाराष्ट्र में है। जितने रूफियन लुमपेन गुंडा तत्व, जिस प्रकार के जो तत्व जैसे बिहार में आरजेडी के भरे हुए हैं, वही हाल शिवसेना का है। और जिस तरह से शिवसेना गठबंधन में रहकर और लगातार गालियां दे रही थी, पीएम को गालियां दे रही थी अमित शाह जी को, ये बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए अच्छा हुआ कि वो पहले ही अलग हो गए और उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। और मैं समझता हूँ कि बाला साहब ठाकरे स्वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको जरूर इस बात का दुख होता है कि उनकी पार्टी शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिला। ये शिवसेना हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही और वो कांग्रेस की गोद में जाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो आज अगर सबसे ज़्यादा उनके प्रसन्न होंगे तो बाला साहब ठाकरे के होंगे।